हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक शानदार गैस सेक्टर के स्टॉक के बारे में। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में अवेलेबल नोएडा बेस्ड कंपनी है और बेहतरीन इसने रिटर्न कमा के दिया अपने निवेशकों को। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे जगह दीजिए अपने पोर्टफोलियो में। लंबे समय से एक ही जोन में कंसोलिडेट हो रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी शेयर नीचे जाए तभी आपको खरीदने का अच्छा मौका होता है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटल वाइड एकदम साउंड है और अच्छा खासा ये करेक्ट भी हो चुका। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कीजिए। अभी इसमें बढ़िया करेक्शन भी हो चुका है, जब ये चलेगा तो रॉकेट की तरह रैली करेगा, तो ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। बात कर रहा हूँ दिग्गज स्टॉक IGL के बारे में। अभी एक अच्छे जोन में कंसोलिडेट हो रहा है लगातार। आप देख रहे हैं 400 को एक सपोर्ट लिए बैठा है और स्टॉक अप डाउन कर रहा है उसी एरिया में। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों प्योर मल्टीबैगर शेयर है, जैसे मैंने दीपक नाइट्राइट के लिए कहा था। देखिए क्या रॉकेट रैली चालू है उसके अंदर, ये स्टॉक भी भागेगा दोस्तों। गिरावट का ही तो समय होता है दोस्तों ख़रीदारी का। अभी इतने अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है तो कोई खरीदने वाला नहीं है। अभी जब ये भाग जाएगा 100 रुपये सब भागेंगे इसकी तरफ, तो अभी ऐड कीजिए तभी तो पैसा बनेगा। तो स्टॉक BSE और NSE दोनों में लिस्टेड जैसा कि आप जानते ही हैं। तो आज जो इसके अंदर गिरावट देखी गई है NSE के भीतर करीब करीब 1.5% की, 6.60 रुपये डाउन है। स्टॉक का ने जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है वो 407.55 रुपये है। प्रीवियस क्लोज इसका 414 रुपये, आज ओपन हुआ था 413 पे, दिन का ही 415, वहीं दिन का लो 403 रुपये का इसने बनाया। तो लगातार इसमें कमजोरी देखी जा रही है, तो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए प्योर मल्टीबैगर शेयर है। मैं आपको अभी से बताना चाहता हूँ, ऐड कर लीजिए अभी भी वक्त है। तो आइए इसकी रिटर्न की प्रोफाइल पहले चेक करते हैं किस प्रकार से रिटर्न अपने निवेशकों को इसने कमा के दिए। तो आज ये BSE पे करीब 1.59% की तेजी डाउन है। वहीं बीते एक वीक में स्टॉक ने जो रिटर्न कमा के दिए हैं अपने निवेशकों को वो निगेटिव हैं, वो 1.18% के। एक महीने में स्टॉक 8.14% गिरा हुआ, और वहीं 2020 के अंदर 4.85% की स्टॉक के अंदर गिरावट देखी गई है। बीते एक साल में स्टॉक ने अभी भी दोस्तों शानदार 31.5% के रिटर्न कमा के दे दिए हैं। तो ऐड करिए अकाउंट में अपने, बना के देगा पैसा आपको। 3 साल में IGL के शेयर ने जो रिटर्न दिए वो 79% के शानदार पॉजिटिव रिटर्न कमा के दिए, और 10 साल में स्टॉक ने शानदार अपने निवेशकों को मल्टी वेगा रिटर्न कमा के दिए हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ऐड कीजिए, करीब करीब 621% का पैसा 7 गुना हो गया दोस्तों बीते 10 साल के अंदर। साउंड कंपनी है, ऐड कीजिए, बेहतरीन प्रमोटर्स हैं इसके, कोई भी दिक्कत नहीं। एक सरकारी कंपनी है, इसकी प्रमोटर हैं बहुत सारी, तो आप जितनी जल्दी ऐड करेंगे पैसा बनेगा। और अभी एक सही टाइम चल रहा है क्योंकि करेक्टेड वैल्यू पे मिल रहा है आपको। आज 24 जुलाई को NSE पे क्लोजिंग हुई है जो 407 रुपये, वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है इसमें 30,81,562 शेयर का, फेस वैल्यू 2 रुपये की, 52 वीक जो लो है इसका 257, 52 वीक हाई 534 रुपये। दोस्तों दोबारा हिट करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं हिट करेगा, तो अभी वक्त है, ऐड कर लीजिए, आपको मौका मिलेगा, पैसा बनेगा आपका, श्योर है, कोई भी इसमें दिक्कत की बात है ही नहीं, कंपनी पूरी तरीके से साउंड है। 31.31% के बीते एक साल के अंदर रिटर्न दिए। इंडस्ट्री जो है ऑयल एंड गैस को बिलोंग करती, जानते ही आप। मार्केट कैपिटल भी अच्छा खासा 28,851 करोड़ का लार्ज कैप का स्टॉक है। किसी भी मायने में कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप ऐड कर सकते हैं और जितना चाहें ऐड कर सकते हैं। मैं खुद इस स्टॉक में SIP करता हूं दोस्तों, तो आप इसे ऐड कीजिए, पैसा जब भी बनेगा दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं दोस्तों। जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 45% की, FII इसमें 22.29% की होल्डिंग रखते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड 8.01% की होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनियां इसमें 9.17% की स्टेक, वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 10.49% की स्टॉक के अंदर होल्डिंग रखते हैं। वहीं अदर DII के पास 5.04% की इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अंदर होल्डिंग देखी जा रही है दोस्तों। जो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर हैं दोस्तों वो प्रमोटर हैं, प्लस मोटर होल्डिंग नन, मतलब गिरवी रखे शेयर की समस्या नहीं है। डेट फ्री कंपनी है, कर्जा मुक्त है, कोई दिक्कत की ऐसी बात ही नहीं इसके ऊपर कर्जे वाली। वहीं म्यूचुअल फंड की 29 स्कीमों ने 8.01% की होल्डिंग ले रखी है। FII की 493 स्कीमों ने 22.29% की होल्डिंग ले रखी है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मतलब BPCL के पास अच्छी खासी इसकी होल्डिंग है दोस्तों 22.5% की। वहीं हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो है LIC के पास 8.52% की स्टेक इस दिग्गज स्टॉक के अंदर देखी जा रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब हमारे जैसे जो रिटेल निवेशक हैं 5.41% की होल्डिंग इनके पास भी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जगह दीजिए, पैसा पक्का बनेगा। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो भी आप शेयर लीजिए उसे लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, एटलीस्ट कम से कम लीजिए तो 10 साल के लिए लीजिए, तभी तो पैसा बनेगा। मल्टीप्लाई होने का टाइम देंगे तभी मल्टीप्लाई होगा। फिर आप पूछते हैं लोग कि कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता मार्केट में, मिलता है लेकिन इसके लिए वक्त लगता है। तो ऐड कीजिए, हर गिरावट में दिग्गज स्टॉक है, अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है, ऐड कर सकते हैं आप इस लेवल पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है।